पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार पर भी भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। लंबे समय से आरोपों में घिरे मंत्री राणा गुरजीत ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद अब इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी अमरिंदर सरकार, 10 महीने में ही गिर सकता है पहला विकेट। पंजाब में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें 10 महीने पुरानी हैं। भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन पहली सालगिरह से पहले ही कांग्रेस सरकार भी भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबी और कद्दावर मंत्री राणा गुरजीत ने विपक्ष के आरोपों के बाद इस्तीफा सौंप दिया है। राणा गुरजीत पर पहला आरोप है, उन्होंने नवांशहर जिले में अपने करीबियों को रेत खनन का ठेका दिलवाया। 26 करोड़ के इस मामले में जांच आयोग मंत्री गुरजीत को क्लीन चिट दे चुका है। राणा गुरजीत पर दूसरा आरोप है कि उनके परिवार की कंपनी राणा शुगर्स ने विदेशी बैंक खाते में अवैध तरीके से करीब 100 करोड़ जमा करवाए। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने कल राणा गुरजीत के बेटे राणा इंद्र प्रताप को पेश भी होना है। राणा इंद्र प्रताप से विदेशों में फंड जुटाने के मामले में पूछताछ होगी। राणा गुरजीत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी विधायक सुखपाल खेरा ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर ही राणा गुरजीत पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया है। इस्तीफा दिता नहीं है, लिता गया वा, क्योंकि राहुल गांधी ने यह शर्त लाई हुई अमरिंदर सिंह के जे तुसी होर वजीर लेने हैं तो पहला ये दागी वजीर नूं कढ़िया जावे। राणा गुरजीत के इस्तीफे की पेशकश के बाद पंजाब में अब मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। 18 जनवरी को सीएम अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी के बीच दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।